खेसारी लाल यादव की संघर्ष 2 का टीजर रिलीज। आइए जानते हैं फिल्म के बारे में विस्तार से। नमस्कार, मैं संजना और आप देख रहे हैं फिल्मी संवाद। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। फैंस उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हाल ही में उनकी फिल्म गॉडफादर का फर्स्ट लुक सामने आया था, जो आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इसके बाद संघर्ष 2 का भी फर्स्ट लुक सामने आया। फिल्म संघर्ष 2 में खेसारी लाल यादव का लुक काफी दमदार नजर आ रहा है। भोजपुरी जगत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है संघर्ष 2, जल्द ही सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। खेसारी लाल यादव की फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है। कहना पड़ेगा कि खेसारी लाल यादव की फिल्म की झलक देखने के बाद लग रहा है कि यह फिल्म बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों को अच्छी टक्कर देती नजर आएगी। संघर्ष 2 का टीजर रिलीज किया जा चुका है और इस फिल्म में खेसारी लाल यादव का अनदेखा अंदाज देखने को मिला। एक तरफ खेसारी लाल यादव दूल्हे बनते नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ खलनायक खेसारी लाल यादव की फिल्म को पटाया में शूट किया गया है। इस धुआंधार फिल्म में मेघा श्री और माही श्रीवास्तव जैसी खूबसूरत हसीनाएं देखने को मिलेगी, जो अपनी अदाकारियों से लोगों के दिल पे डंका बजाती नजर आएगी। खेसारी लाल यादव की इस फिल्म में एक्शन सीन आपको हॉलीवुड फिल्मों की याद दिला सकती है। खेसारी लाल यादव की इस फिल्म में एक्शन सीन देख आपको हॉलीवुड फिल्मों की भी याद आ जाएगी। फिल्म के सीन को महायोगी गुरु घाट पर भी शूट किया गया है। खेसारी लाल यादव ने जिस तरह हेलीकॉप्टर में एंट्री मारी है, उसे देखने के बाद यकीनन आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। खेसारी लाल यादव की फिल्म का टीजर आप वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी नामक यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस फिल्म को रत्नाकर कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म को पराग पाटिल ने डायरेक्ट किया है और खेसारी लाल यादव के चाहने वाले बेसब्री से इस टीजर का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही टीजर रिलीज हुआ, चाहने वालों ने इन्हें लाइक कमेंट कर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। इस टीजर को मात्र कुछ ही घंटे में लाखों लाइक और कमेंट आ गए। खेसारी लाल यादव का यह अंदाज यकीनन आपने आज तक उनकी किसी भी फिल्म में नहीं देखा होगा। इस तरह की अपडेट के लिए बने रहे फिल्मी संवाद के साथ। धन्यवाद।